पंजाब के अंदर जिस तरह से आज प्रधानमंत्री जी की रैली के अंदर सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, बहुत बड़ी सेंध लगी, ये कोई अचानक नहीं हुआ। मैं बार बार कहता रहा और मैं फिर आज कहने जा रहा हूं, कांग्रेस एक डिजाइंड कॉन्स्पिरेसी के तरीके से, एक डिजाइन मॉडल के तरीके से हमें पूरी दुनिया में बदनाम करती आई और करना चाहती है। 1980 के दशक में भी इसी तरह कांग्रेस ने किया था, हमें पहले कॉन्फ्लिक्ट में दिखाया, हमें लड़ाया और फिर हमें पूरी दुनिया के अंदर आतंकवादी अलगाववादी बनाकर हमें मारने का काम किया। ये वो चीज है जो पाकिस्तान और ISI चाहती है कि हमारी कॉन्फ्लिक्ट हो। मैं हैरान हूं और इस बात को लेकर चिंतित हूं कि जो ISI और पाकिस्तान चाहता है वही कांग्रेस की सरकार पंजाब की चाह रही है और देश की कांग्रेस की पार्टी चाह रही है। क्या देश के प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी के प्रधानमंत्री हैं? मैं अपने किसान भाइयों से भी, मैं अपने पंजाबियों से भी हाथ जोड़कर यह आग्रह करता हूं, जरा सोचो हमें किस तरफ ले जाया जा रहा है और किस तरह से हमें बदनाम किया जा रहा है। आज की ये जो सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, इसको कांग्रेस ने इनिशिएट कराया है, कांग्रेस ने फैसिलिटेट किया है और यही कारण बना कि लोगों को सड़कों पर लाया गया ताकि नुकसान पहुंचाया जा सके। मैं तो धन्यवाद करता हूं देश के प्रधानमंत्री जी का, उन्होंने अपनी दूरंदेशी देखी। और आज मैं जरूर पंजाब के लोगों को फिर से आग्रह करना चाहता हूं, ये जिस तरह से आपको आग में धकेला जा रहा है, जिस तरह से आपको कॉन्फ्लिक्ट में डाला जा रहा है, केवल कांग्रेस की एक ही मंशा है, फिर से पंजाबियों को, सिखों को 1980 के दशक में लाकर उसी तरह लड़ाया जाए, भिड़ाया जाए और उनका नुकसान किया जाए। सत्ता हासिल करने के लिए कांग्रेस किसी भी हद तक गिर सकती है, अगर सत्ता हासिल करने की ISI और पाकिस्तान की सोच के साथ कांग्रेस काम कर सकती है तो आप सोच सकते हैं कि कितनी खतरनाक कांग्रेस है आज हम सबके लिए। जो मेरे को जानकारी प्राप्त हुई है, PM बठिंडा एयरपोर्ट पर आए और मौसम की खराबी के कारण बाई रोड उन्होंने शहीदों की समाधि पर पुष्पांजलि करने के लिए सड़क मार्ग को चुना, लेकिन पंजाब सरकार ने बीच रास्ते में ही हाथ खड़े कर दिए कि हम सुरक्षा नहीं दे सकते, तो PM वापस गए हैं। इसी से पता चलता है कि पंजाब में सामान्य व्यक्ति जो है, आम नागरिक जो है, जो लगातार बोलता रहता है कि जहां सुरक्षा नाम की चीज नहीं है, जहां कानून का राज नहीं है, वो हमारी बात सच हुई। और ऐसी सरकार को एक भी पल सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। चन्नी में अगर थोड़ी सी भी नैतिकता है तो उनको रिजाइन करना चाहिए। और आज जो सरकार प्रायोजित जगह जगह पर बीजेपी की बसों को रोका गया, बीजेपी की बसों पर पथराव हुआ, बसों से भोजन लूटा गया और बसों के शीशे तोड़े गए, पुलिस द्वारा लाठीचार्ज हुआ, आज एक रैली नहीं थी पंजाब में, हर जगह रैली हुई है जहां जहां हम लोगों को रोका गया। ये सरकार के लिए आखिरी कील साबित होगा। क्या लगता है कि इसके लिए आप महामहिम से मिलेंगे? ऐसा हम लोग अभी हम लोग 4 बजे अपनी मीटिंग करेंगे, उसके बाद तय करेंगे।